Very sweet good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our revision of alcohol phenol ether. ठीक है? Basically इस chapter में भी काफी सारे reactions वही होंगे जो हमने halo alkene और halo arenes में complete की हैं. ठीक है? तो just अब हम start करते हैं अपना preparation of alcohol. ठीक है? Alcohol में देखो ये from alkyl halide RX वाली जितनी भी reaction थी इनमें आपने क्या किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, और हमने क्या बोला था कि आप एक्स को रिप्लेस कर सकते हो ओएच बाय यूजिंग दीज न्यूक्लियोफाइल. ये आपको क्या देगा, ओएच नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या देगा, ओएच नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और ये भी. ठीक है? तो ये कौन सी रिएक्शन है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एल्केन में. एक्स रिप्लेस हो जाएगा आपका ओएच न्यूक्लियोफाइल से. ठीक है? तो ये OH नेगेटिव वहां पर भी मैंने बताया था, OH नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 या SN2, भाई बैक साइड अटैक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में, तो यहां पे मैकेनिज्म होगा बैक साइड अटैक है तो SN2 मैकेनिज्म, ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म से जाएगी. ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें एल्कीन से, भाई एल्कीन में आप वाटर ऐड कर दोगे तो आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा. ठीक है? बट ये जो वाटर है ये सिर्फ वाटर ऐड नहीं होता, किसी न किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में ऐड होता है. ठीक है? अब वो रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो तीन है कि आप एल्कीन में वाटर डालो, इन तीन रिएजेंट या तीन रिएक्शन होंगी, क्या तो आप वाटर एड करो एसिड कैटेलाइज मीन एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में आप वाटर डालो तब भी आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा. या आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो तब भी आपका अल्कोहल बनेगा. या फिर आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओ तब भी आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा. तीनों में किससे बनेगा, एल्कीन से बनेगा, ये श्योर है. ठीक है? तो हमारे सिलेबस में इसका मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म है, इसका नहीं है, तो आप इन दोनों के मैकेनिज्म पार्ट भी देखेंगे. बेटा मैकेनिज्म पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार मैकेनिज्म का तरीका समझ गए तो किसी रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है? तो ये तो सभी को पता होगा अल्कोहल क्या होता है, ROH. फिनोल क्या होगा, भाई बेंजीन के ऊपर OH. और ईथर क्या होता है आपका, ROR. तो बेसिकली आप देखोगे तीनों में क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड है तीनों में. भाई यहाँ पे भी कार्बन होगा और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन है ये ओ है सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी कार्बन होगा इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड. ठीक है? तो ये सेकंड प्रिपरेशन थी. अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे इन दोनों का. सो स्टूडेंट देखो, पहला मैकेनिज्म ले रहे हमारा पार्ट ये था, हमें एल्कीन है ये हमारी, एल्कीन में आप वॉटर एड करा रहे हो, एल्कोहल बना रहे हो. आप बोल सकते हैं रिएजेंट डालने की क्या जरूरत है, एल्कीन में एच और ओएच आप ऐड करा दो, बट ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो एल्कीन के पास भी क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड ये भी किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह. और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल. तो दो न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों रिएक्शन नहीं कर सकते. ठीक है? तो इसीलिए हमें कोई ना कोई रिएजेंट डालना पड़ा. एक रिएजेंट क्या डाला, एसिड कैटेलाइज्ड मींस देखो भाई आपके पास ये एल्कीन थी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, एसिड कैटेलाइज्ड है मतलब एसिड की प्रेजेंस होगी तो क्या होगा आपका, एक्स प्लस होगा. ठीक है? और भाई ये इलेक्ट्रॉन है, देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या तो ये कार्बन ले सकता है या फिर ये कार्बन ले सकता है, जरा ध्यान से सोचो. अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर उठ गया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पे आएगा, तो कौन सा कार्बो कैटायन बनेगा, प्राइमरी कार्बो कैटायन. और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर उठ के आते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, अब कौन सा बनता है, सेकेंडरी कार्बो कैटायन. और आपको पता है सेकेंडरी कार्बो कैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल. इट मीन्स ये बॉन्ड की क्लीवेज कैसे होगी, ऐसे होगी. इतनी बात समझ में आई. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो आपका क्या बनेगा, R. भाई इस CH की वजह से इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और इस कार्बन पे क्या था, नेगेटिव. इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये H प्लस को अपने पास लगा, H प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. इतनी बात समझ में आई. ठीक है? तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, एसिड की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन हुई. ठीक है? आपका
क्या होगा आगे भाई, आपका क्या था बेसिकली एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ वाटर था, एसिड की प्रेजेंस में तो हो चुका है। अब आप क्या ऐड करोगे, अब आप वाटर ऐड करोगे HOH, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या है भाई, ये लोन पेयर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। और अगर इसने डोनेट किया तो देखो क्या बनेगा, आर सी एच सी, यहाँ पे पहले सी एच टू था, ठीक है, तो सी एच, और यहाँ पे क्या बन गया सी एच थ्री, और यहाँ पे क्या आपका ओ एच एच। और बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट इसको किया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो ये एसिड कैटलाइज्ड है, अगर आपने एच प्लस डाला था तो एच प्लस निकलेगा अभी, तो सही रिएक्शन है सेम एज इट इज। तो आपका क्या होगा यहाँ से भाई, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं रखेगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, खुद क्या हो जाएगा वापस से माइनस एच प्लस हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अब आपका क्या बन जाएगा, आर सी एच सी एच थ्री, और यहाँ पे क्या आएगा ओ एच। देखो आपका अल्कोहल बन गया, और जो आपने एच प्लस डाला था वो एसिड रिलीज भी हो गया, तो इसी कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं जो एसिड है, और आपका अल्कोहल बना है। अब आप इसमें वैसे कंपेयर करके देखो, बेसिकली आपने एल्कीन में क्या डाला था, एच टू डाला था, तो इसमें क्या है ओ एच नेगेटिव है। अगर ऐसे लिखूं ये तो क्या है भाई, ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव, जो हाइड्रोजन कहाँ गया, मोर हाइड्रोजन के पास, और नेगेटिव पार्ट कहाँ गया यहाँ, तो बेसिकली ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, अगर आप एडिशन ऑफ वाटर करा रहे थे मार्कोनिकोव्स रूल है, एडिशन रिएक्शन से मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, मीन्स एच टू का एच पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन के पास और ओ एच नेगेटिव पार्ट लेसर नंबर के पास, और ये इसका क्या था मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं सेकेंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मीन्स बेसिकली आप इसमें ऑक्सीडेशन करा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या डालोगे हाइड्रोबोरेशन, याद रखना B2H6 बोरेन डालोगे, इसको क्या बोलते हैं डाइबोरेन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो B2H6 है बेसिकली BH3 से बना है, ये BH3 का क्या है डाइमर है, ये BH3 जो है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपनी डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये क्या डाइमर है। बट हमें रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, BH3 चाहिए, बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये अनस्टेबल है, तो इस चीज को हम इधर बैक कन्वर्ट ना हो इसमें हम क्या डालते हैं THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ताकि वो इसके साथ क्या बना ले कॉम्प्लेक्स बना ले और इसको डाइमराइज होने से रोके, बेसिकली ये रोल है THF का। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब आपके पास एल्कीन थी और आपने BH3 डाला, अभी BH3 क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है THF है, वो इसको डाइमराइज नहीं होने देता। तो देखो ये पूरा आपका एल्कीन था, ये BH3 आया, BH3 में आप देखोगे तो BH3 में बोरोन के ऊपर कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की क्या होती है डेल्टा नेगेटिव, और बोरोन की क्या होती है डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे बेसिकली क्लीवेज कैसे हुई, ऐसे हुई है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा आया पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव आया, और आपको पता है बोरोन में इस BH3 में बोरोन में पॉजिटिव, तो नेगेटिव के साथ क्या कनेक्ट होगा पॉजिटिव, और इसमें कैसा चार्ज आएगा, जब क्लीवेज ऐसे हुई है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आया तो BH3 का हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगा, ये आपका BH3 था। इतना देखो BH3 में सभी हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और बोरोन पे क्या है पॉजिटिव, और ये जो डबल बॉन्ड वाला है इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो जिसमें नेगेटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंबाइन करेगा, तो बेसिकली ये इसके साथ करेगा, तो जो BH3 का ये सिंगल बॉन्ड था ये क्या होगा धीरे धीरे टूटने की कोशिश करेगा और इधर बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, और ये वाला इसके साथ बनने की कोशिश करेगा, जो डबल बॉन्ड था ये टूटने की कोशिश करेगा, तो देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो आपका देखो क्या बना CH3, देखो मैं वैसे लिख रही हूं ये आपका CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड है CH, इसके साथ कौन सा हो गया BH3 का एक हाइड्रोजन आ गया,
तो देखो मैंने अलग कलर दिखाया, ये आपका इसी से आया इसका एक हाइड्रोजन। फिर आपका जो डबल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, इसके पास क्या है दो हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी इसके साथ कंबाइन हो गए थे, क्या बन गया BH2। तो बेसिकली इसके बाद आपका ये प्रोडक्ट बना। आई होप सभी को इतना पार्ट समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम एक और एल्कीन डाले, देखो ये BH3 में हमने एक एल्कीन डाली तो BH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। सिमिलरली क्या होगा अगर हम ऐसे एक और एल्कीन डालेंगे तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये यूनिट कितनी हो जाएंगी आपकी 2 यूनिट, फिर एक और डालेंगे तो क्या यूनिट हो जाएगी 3 यूनिट। ठीक है, तो देखो बेसिकली अभी आपके पास क्या है, ये वाला पार्ट है CH3CH और ये हाइड्रोजन है किसका, बोरोन का CH2 एंड BH2। ठीक है, आपने क्या किया एक एल्कीन और डाली CH3CH डबल बोन CH2, तो जैसे ये मैकेनिज्म हुआ सेम रिपीट होगा और इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, सिमिलरली अब क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन की जगह ये वाली पूरी यूनिट आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा CH3CH CH2 ट्वाइस हो गया, और यहाँ क्या बच गया BH, अभी एक हाइड्रोजन और है, आप क्या ऐड करो फिर से एक एल्कीन ऐड करो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो जाएगा आपका CH3CH CH2 और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ बोरोन, क्यों, क्योंकि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको वन बाय वन करके हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते। ठीक है, अब बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, अब देखो आई होप ये चीज समझ में आई इतनी। अब देखो अब क्या होगा ऑक्सीडेशन, हमने हाइड्रोबोरेशन तो करा दिया लेकिन हमारा क्या है ऑक्सीडेशन बाकी है, और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा आपका H2O2 की प्रेजेंस में। भाई H2O2 बेसिकली ये किसमें क्लीव होगा आपका H2, ये आपको क्या देगा एक सेकेंड, सिंपली आप इतना लिख सकते हो, अब आप क्या ऐड करोगे H2O2 और ये आपको क्या देगा OH नेगेटिव देगा, और ये बॉन्ड क्या कर जाएगा आपका क्लीव कर जाएगा और आपका क्या बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2CH2OH। अब देखो अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो तो आपका ये एल्कीन था। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसमें वॉटर ऐड कराओ तो वॉटर का क्या होगा H और OH, यहाँ पे अगर मार्कोनिकोस रूल लगता है तो OH इधर जाना चाहिए लेकिन OH इसमें किधर गया टर्मिनल कार्बन के पास, तो आप सिंपली बोलना चाहो कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है एंटी मार्कोनिकोस रूल फॉलो कर रहा है। आपका एसिड कैटेलाइज कौन सा रूल फॉलो करता है मार्कोनिकोस, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर आप मैकेनिज्म ना देखो शॉर्ट में देखो तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है एंटी मार्कोनिकोस, बट मैकेनिज्म तो यही है। ठीक है, आपका थर्ड रीजन थर्ड रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसका मैकेनिज्म पार्ट नहीं आपको जस्ट ये याद रखना, आप ये सारी चीजें ऐड करोगे तो आपका OH कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा H यहाँ, तो बेसिकली ये वाला भी देखो तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो कर रहा है, तो एसिड कैटलाइज मार्कोनिकोव्स रूल, हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिकोव्स, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिकोव्स रूल। तो बात करें हम रिडक्शन रिएक्शन की, आप मतलब कार्बोनिल से बना सकते हो रिडक्शन करा के। ठीक है, रिडक्शन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखो रिडक्शन आप कहाँ कहाँ से करवा सकते हो, भाई हाइड्रोजन ऐड करा दो निकल प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल, ये सारे के सारे क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराएंगे, और एल्डिहाइड या कीटोन को किसमें कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में। अगर आप यहाँ एल्डिहाइड लोगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये रिएक्शन हमने किसमें देखी थी आपके
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत बार देखी थी और आई होप सभी को याद भी होगा। मैकेनिज्म बहुत इजी है, देखो भैया कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लो, अभी मैंने ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, क्या लिया फॉर्मेल्डिहाइड, आपको पता है ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, इस पे ये पॉजिटिव होता है और ये डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये आर कहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ, तो आपका क्या बनेगा एच सी, ये क्या बन गया ओ नेगेटिव और इसके साथ क्या आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट है तो अटैच हो जाएगा एम जी एच, यहाँ क्या आ गया आपका आर और यहाँ क्या है एच, आप इसका क्या करा दो हाइड्रोलिसिस करा दो, एच सी ओ पॉजिटिव डाल दिया तो ये बोन यहाँ से क्लीव कर जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे मींस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर एच और ओ एच, ये एच पॉजिटिव है और ये ओ एच नेगेटिव, ओ एच इसके साथ चला जाएगा निकलेगा क्या एम जी एक्स ओ एच और ये एच इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा एच ओ एच एच और आर, यहाँ पे क्या था एच, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो तो ये क्या बन गया, इसको देखो यही है आर सी एच टू ओ एच, तो यहाँ पर क्या बना प्राइमरी अल्कोहल, अगर यहाँ आर होता एक एच की जगह क्या होता आर होता और मीन्स यहाँ पे एक एच की जगह आर आता तो क्या बन जाता सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन होता तो क्या बनता टर्शियरी, कि आप खुद चेक कर सकते हो सेम मैकेनिज्म से, यहाँ पे मैंने क्या लिया फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो मेरा क्या बना प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं यहाँ एल्डिहाइड लूं लेकिन अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड तो मेरा क्या करेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर मैंने कीटोन लिया आर एन जी एक्स के साथ तो मेरा क्या बनेगा टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ये श्योर है सेम मैकेनिज्म से फॉलो करके देखना बन जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारी प्राइमरी अमीन के साथ हम रिएक्शन कराएं, किसकी NaNO3 और HCl, बेसिकली ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे मोनो मींस HONO, आप बोलो तो HNO2 बनाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको मोनो लिखा तो देखो इन दोनों के रिएक्शन से ये प्रोड्यूस हुआ, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो अब आप देखो क्या करोगे आप नाइट्रोजन की जगह क्या रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन एज इट इज, नाइट्रोजन यहाँ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इधर क्या है एको और इधर क्या है OH, तो ये बॉन्ड देखो ऐसे टूटे यहां से और यहां से, तो यहां से ये क्या बन गया ROH, ये क्या निकली N2 और यहां से क्या निकला H2, बहुत सिंपल रिएक्शन है याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो अगर हम प्रिपरेशन देखें फिनॉल की तो ये प्रिपरेशन भी हमने ऑलरेडी चेक किए हुए, वैसे तो प्रिपरेशन बहुत सारी होती है बट मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस कर रही हूँ, जैसे आपने सोडियम डाइजोनियम सोल्ट था N2Cl था इससे अल्कोहल बनाना सीख लिया था अल्काइल और एराइलहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में, आपने सिर्फ इसका हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक हाइड्रोलिसिस और OH बन गया था, और जो आपका N2Cl डाइजोनियम सोल्ट किससे बना था एनिलीन से बना था, आपने बेसिकली NaNO2 और HCl डाला था 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके थे अल्काइल और एराइल हैलाइड में। नेक्स्ट भी हम अल्काइल और एराइल हैलाइड में पढ़ चुके थे, क्या पढ़ा था हमने वहां पे कि ये जो बॉन्ड होता है हैलोजन ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन पे ब्रेक नहीं करता है भाई, Cl न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस नहीं होगा किसी और न्यूक्लियोफाइल से, ये पढ़ा था, तो हमने क्या लगाई थी हाई कंडीशंस लगाई थी हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाया था फिर NaOH ऐड किया था तो आपका सोडियम फिनोक्साइड बना था, फिर क्या किया था डाइल्यूट HCl डाला था आपका क्या बन गया था फिनो, यही रिएक्शन देखी थी, और फिर एल्काइल और एराइल हैलाइड में हमने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिए थे तो वो फर्क था, और इस रिएक्शन का नाम क्या था कौन सा प्रोसेस है ये डॉम्स प्रोसेस है और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, एक और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बेसिकली एग्जाम में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, तो वो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछता है डॉम्स प्रोसेस, और एक और है फ्रॉम क्यूमीन कि आप फिनोल कैसे बना सकते हो वो मैं डिस्कस करती हूँ अभी, पहले आप डन करो। देखो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फिनोल की किससे होती है क्यूमीन, और क्यूमीन क्या होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये किसका स्ट्रक्चर है क्यूमीन का, तो देखो क्यूमीन से आप फिनोल बना सकते हो, सिर्फ आपको क्या कराना है एरियल ऑक्सीडेशन कराना है, एरियल ऑक्सीडेशन
मीन्स एयर में अगर वही ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी ओ टू, तो देखो क्या होगा, ये ओ टू इस और इस बॉन्ड के बीच में आएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में, तो ये आपका सी सी एच थ्री सी एच थ्री और ये क्या हो गया ओ ओ एच, ये परऑक्साइड लिंकेज बन गई ठीक है। और अब इसमें क्या ऐड कर दो भाई, HCl ऐड कर दो, बेसिकली आप क्या करा रहे हो हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, मीन्स HCl ऐड कर दो डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 ले लो बुक्स में मिले, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, यहां से फिनोल बनेगा और फिनोल के साथ साथ यहां से क्या निकलेगा कीटोन, यहां से क्या निकलेगा CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 निकल जाएगा और एक OH और ये फिनोल प्लस में ये आपका बन गया। तो बस आपने क्यूमीन का क्या कराना है, एरियल ऑक्सीडेशन कराना है और आपने डाइल्यूट H2SO4 डालना है, क्या बनेगा फिनोल। बात आती है ये कैसे बना क्यूमीन, क्यूमीन बना है बेंजीन की रिएक्शन से, भाई ये बेंजीन और आपके इसने रिएक्शन कराई आपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, तो आपका क्या बन गया क्यूमीन बन गया ठीक है। बेसिकली कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है ठीक है। एल्काइल जो भी था ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप ये यहां आया है ठीक है, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये ऐसे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से बेंजीन के साथ अटैच होगा, यहां से होगा तो देखो ये CH और इसके ऊपर एक CH3 इधर होगा एक CH3 इधर ठीक है। तो आप जब इसकी रिएक्शन इससे करा लो क्यूमीन बनेगा, क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस CRB बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई थी कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन लाइक दिस क्वेश्चन ठीक है। स्टूडेंट्स अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत इजी है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, हमें सब वही देख रहे हैं फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है और रीजन आप सबको पता है क्या होता है, अगर वो चीज प्रेजेंट है तो वो ज्यादा होगी अदरवाइज कम होगी। जनरली अगर फिजिकल स्टेट की बात करें अल्कोहल्स में, तो जो लोअर अल्कोहल है वो क्या होते हैं कलरलेस होते हैं, उनकी एक अपनी एक अलग स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और उनका कैसा टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट होता है ठीक है। लोअर अल्कोहल मतलब 2 से 3, 3 से 4 कार्बन की चेन, और अगर हायर अल्कोहल की बात करो तो कलरलेस होंगे ओडरलेस होंगे और वैक्सी सॉलिड होंगे ठीक है। फिनोल्स आपके क्या होते हैं कलरलेस सॉलिड या लिक्विड होते हैं, और अगर आपने फिनोल्स को एयर में ऐसे ही छोड़ दिया तो उनका क्या हो जाता है एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो बेसिकली कैसा कलर शो करेंगे रेडिश ब्राउन ठीक है। भाई अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आपका चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया इथेन और एक मैंने लिया इथेनॉल, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इथेन से ज्यादा होगा, क्यों बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से ज्यादा है यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल्स में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस वजह से। वहीं वॉटर में इसकी सॉलिबिलिटी की बात करूं तो ये वॉटर के साथ क्या बनाते हैं भाई सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या होते हैं हाईली सोल्यूबल इन वॉटर ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे एसिडिक बिहेवियर का। स्टूडेंट्स अब देखो अगर मैं एसिडिक बिहेवियर की बात करूं तो चाहे आपका अल्कोहल होगा फिनोल या अल्कार्बन चेन होगी तो अल्कोहल होगा बेंजीन रिंग आ गई तो फिनोल बन जाएगा ठीक है। एसिडिक नेचर प्रूव करना मतलब ये बॉन्ड क्लीन होना चाहिए तब आपका क्या होगा H+ रिलीज होगा ठीक है। तो देखो अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ अल्कोहल के फिनोल की बात नहीं कर रही हूँ, बेसिकली ये एसिडिक नेचर कब शो करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आए और आपका क्या बने RO- और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा H+ ठीक है, और यहाँ से भी क्या होता है ऐसे बनता है ये OH- बनता है यहाँ से H+ रिलीज होगा ये आपका वॉटर है ये अल्कोहल। तो देखो भाई एसिडिक है तो इसका क्या होगा कॉन्जुगेट बेस होगा, ये बात समझ में आती है कॉन्जुगेट बेस। अब देखो अगर ये अल्कोहल है इसने अगर H+ रिलीज किया हमारे लिए तो एसिडिक कौन है जो इजिली H+ दे दे, और इजिली H+ देगा तो मतलब रिलीज करने के बाद वो चीज क्या होनी चाहिए स्टेबल होनी चाहिए, यहाँ पे ये स्टेबल होना चाहिए और यहाँ पर ये। लेकिन हम देखें कि R ग्रुप यहाँ पे कोई भी मिथाइल चेन होगी ठीक है वो क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रिलीज करेगा, देखो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये ग्रुप क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन और इसकी तरफ कर रहा है ये इसको क्या बना रहा है अनस्टेबल बना रहा है। तो
क्या ये रिलीज करना चाहेगा H प्लस अगर ये अनस्टेबल बन रहा है तो? नहीं, बट एल्कोहल में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इसको डिस्टेबलाइज करे. तो आप क्या बोलोगे, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जो R ग्रुप है, इसका कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है. और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है. और ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये चीज क्या बन गई, अनस्टेबल बन गई. अब ये अनस्टेबल है तो इट हैज लेस टेंडेंसी टू लूज एच प्लस. तो वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल क्या है, वीकर एसिड है. ये बात समझ में आई? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी है, अच्छे से करना. स्टूडेंट्स अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर से क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं. ठीक है, अब मैं अल्कोहल को ही कंपेयर करूं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक. तो वही सेम कंसेप्ट, इनके क्या बनाओ, कंजुगेट बेस बनाओ. आफ्टर रिलीजिंग एच प्लस ये क्या बनाएगा, सी एच थ्री ओ नेगेटिव, यहाँ से एच प्लस रिलीज कर देगा. ये वाला आपका कंजुगेट बेस क्या बनाएगा, आर सी ये एच. ठीक है, इसके पास क्या एच और ये ओ नेगेटिव, यहाँ से एच प्लस रिलीज हो गया. ये वाला क्या बनाएगा, आर सी आर आर, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, सॉरी ये O नेगेटिव, और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, H पॉजिटिव. तो हमें देखना है ये सारे क्या है, कंजुगेट बेस है. अगर इनमें से जो स्टेबल होगा वही क्या होगा, बहुत अच्छा एसिड होगा. मींस वो H प्लस निकालने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं. तो देखो भाई, यहाँ पे तो एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका इन R ग्रुप्स का यहाँ पे क्या आएगा, आर. इसका जो मैंने सर्कल किए इन सबका क्या है, प्लस आई इफेक्ट है. तो देखो यहाँ पे हमें तीन तीन ग्रुप लगे हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने इस कार्बन को, और ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या बना रहे, हाईली अनस्टेबल. मींस ये वाला बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो एच प्लस रिलीज करे. यहाँ पे एक ग्रुप कम हो गया, सिर्फ दो साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से एक साइड से. तो इट मीन इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये. मींस ये इजीली एच प्लस रिलीज करना चाहेगा तो ये एसिड क्या होगा, बहुत अच्छा होगा. तो आपके प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स अब मैं बात करूं फिनोल्स की, तो फिनोल अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं वो देखो, सेम कंसेप्ट वही है भाई. एक बार जिसको समझ आ गया वो इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है. ये क्या है फिनोल, ये आपको इसका एसिडिक नेचर प्रूव करना है. तो आपको पता है ये क्या बनाएगा, यहां से अगर ये ओ नेगेटिव बनाया इसने और एच प्लस रिलीज कर दिया, हमें तो बेसिकली एसिडिक बिहेवियर के लिए एच प्लस चाहिए. तो अब आप देखो, अगर ये चीज स्टेबल है तो मीन्स वो क्या होगा, अच्छा एसिडिक होगा. तो अल्कोहल में जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा, बल्कि जो आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट के थ्रू उसको हाईली अनस्टेबल बना रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे जो फिनोक्साइड है ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है. भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोनेसिटी कहाँ जा रही है, रेजोनेंस में जा रही है, और रेजोनेंस की वजह से ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में चला गया, क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया. अब ये स्टेबल हो गया, इट मीन फिनोल क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे. तो देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, ये उठ के यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे नेगेटिव और ये यहाँ आ गया, ये यहाँ. तो ऐसे आप क्या बना लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो जो ये फिनोक्साइड आयन है इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन. ये क्या है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है. ये क्या, कंजुगेट बेस, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच दो तो इसकी इस एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा. तो पहले आप इसको कॉपी करो. सुनो देखो, अब अगर आपका भाई फिनोल है, ठीक है, और मैंने कहा इस रिंग पे कहीं भी क्या अटैच हो आपका, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मींस ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक. तो ऑब्वियसली बात है ये क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन बनाएगा. अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ओ नेगेटिव, और ये रिंग में क्या अटैच है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है. ठीक है,
ये जो है ओ नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाता है? ऑर्थो और पैरा पे। और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो इट मींस ये इसको क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। इट मींस इसको जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो उतना ही अच्छा एसिडिक नेचर होगा। तो जब भी बेंजीन रिंग में आपका क्या अटैच हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2CNX अटैच हो, तो वो क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब देखो, अगर बेंजीन रिंग पे फिनोल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा भाई? ये ओ नेगेटिव बनेगा और ये रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में, तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी यही इलेक्ट्रॉन बढ़ा रही है, इसको क्या बन रहा है? स्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक दिस होंगे, तो वो क्या होंगे? लेस एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू फिनोल। अब वो चीज आप चेक करना, ये आपका काम है। अगर सपोज करो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे है, मेटा पे है, पैरा पे है, तो इलेक्ट्रॉन एसिडिक कौन सा आता होगा, ये चीज आपको देखनी है। इतना मैंने बता दिया है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे होंगे तो ज्यादा एसिडिक होंगे। फिर मेटा वाले पे आपको देखना है क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। तो आज हमने अपनी ये जो प्रॉपर्टीज है ये खत्म कर लिया और प्रिपरेशन पार्ट खत्म कर लिया अल्कोहल फिनोल का। अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज बचती है और हमारा एक एस्टर पार्ट। कल के लेक्चर में हम इनका कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।